जी, मेरा सवाल ये था कि कल मैंने पूछा था कि जैसे कि आजकल व्हाट्सएप स्टेटस में है या फिर कहीं इंस्टाग्राम में है, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, कहीं हाँ कुछ खुशी हो गया, अगर गाड़ी खरीद ली, कोई घूमने जाता है या फिर कुछ ऐसे कपड़े खरीद लिया, तो अपना खुद का फोटो या फिर खुशी जाहिर करते हैं अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में। तो ये खुशी जाहिर करना, लोगों को दिखाना, क्या ये रियाकारी में आता है? क्या उससे नजर लग सकती है? क्या इससे हमें बचना चाहिए? जी, वाजे जी शेख। कई कई बातें आपने एक साथ पूछ लिया। पहला मसला तो ये है कि अगर कोई अपनी तस्वीर लगा रहा है, अपनी गाड़ी की तस्वीर लगा रहा है, या अपनी कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी है, कोई दुनियावी चीज है, उसकी तस्वीर लगा रहा है, तो क्या ये रिया है? पहला सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि ये रिया नहीं है, क्योंकि रिया का जो डिफिनेशन है कि इजहार उल अमल सालेह लियराहु नास व यमदहू अलैहि। रिया का डिफिनेशन ये है कि किसी नेक अमल का इजहार करना इस नियत से कि लोग उसको देखें और उस पर आपकी तारीफ करें, इसको रिया कहा जाता है। तो गाड़ी या आपका कपड़ा या ये जो दुनियावी चीजें हैं, ये इबादत नहीं है। रिया का ताल्लुक इबादत से है, दुनियावी चीजों से नहीं है रिया का ताल्लुक। जी। आपने महंगा मोबाइल लिया, लोगों को दिखा रहे हैं, इसको रिया नहीं कहेंगे। रिया इबादत को दिखाना ताकि लोग आपकी तारीफ करें उस पर, इसको रिया कहते हैं। तो पहली बात तो जी आप उसका इजहार कर रहे हैं, अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं, आपने गाड़ी खरीदा उसकी तस्वीर लगा रहे हैं, या आप अपने बच्चे की तस्वीर लगा रहे हैं, अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक अबस और फालतू काम है, इसका जी कोई फायदा नहीं है, बल्कि कई दफा इसके नुकसान। जी शेख। जो नजर लगा देती है, तो हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी हासिद की नजर आपको लग जाए और आपको तस्वीर लगाने से क्या मिलता है। बल्कि मैं समझता हूं बहुत सारे लोग शेख अपने बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगाते हैं, ये कोई अकलमंद इंसान नहीं कर सकता, लेकिन मौजूदा जमाने में इतना आम हो गया। ये कोई अकलमंदी का काम नहीं है, ये कह सकते हैं ये एक ओछी हरकत है, ये एक ओछी हरकत है। अगर आप अपनी तस्वीरें कहीं भी जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तस्वीर लगा रहे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, तस्वीर लगा रहे हैं, यहां तक कि बहुत सारे लोग तो उम्रा कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं, तो वो तो रिया जी जी रिया जी में आ शेख, जाएगा। अब उम्रा तो इबादत है। दुआ करते हुए जो है तस्वीर लेकर के उसको लगा रहे हैं, अब वो जब तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं तो दुआ नहीं कर रहे होते, सिर्फ हाथ उठाया हुआ है उन्होंने तस्वीर खिंचवाने के लिए, तो ये तो इस्तेहजा है इबादत के साथ, आप झूठ बोल रहे हो। तो बहरहाल अगर दुनियावी चीजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है, और अगर इबादतों की तस्वीरें लगा रहे हैं तब तो ये चीज रिया में भी दाखिल हो सकती है।